नागपुर से बिलासपुर तक भारत वंदे ट्रेन का परिचालन तो शुरू हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन के चलते ही इसके किराए को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि जब इतनी सारी ट्रेनें निरस्त हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में वंदे भारत ट्रेन का किराया इतना ज़्यादा क्यों है। छत्तीसगढ़ को जहां एक तरफ वंदे भारत ट्रेन की आज सौगात मिली है, वहीं दूसरी ओर ट्रेन के मामले को लेकर जो यूथ कांग्रेस है वह प्रदर्शन पर उतर आई है और रायपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके हाथ में जो पॉम्पलेट है उसमें लिखा भी हुआ है कि ट्रेनों की टिकट में वृद्धि बंद करो, साथ ही वंदे भारत ट्रेन जिसकी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिली है उसके टिकट को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करेंगे सीधे, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी है साथ में। आप लोग वृद्धि को लेकर, ट्रेन के मामले को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं, इस बार भी वंदे भारत के बाद नया आंदोलन देखने को मिला। देखिए, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई, हम शुभकामनाएं बधाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ट्रेन में आम परिवार के लोग, आम आदमी चलता है, उस प्रकार से आज आम आदमी को बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। 2000 रुपये में रायपुर से नागपुर अगर व्यक्ति जाएगा, जो 300 रुपये में जाता था, अभी 2000 में उसको जाना पड़ रहा है। उसकी एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, ऊपर से आवागमन का पैसा अगर इतना लगेगा तो वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। भारत वंदे जो ट्रेन है ये खास लोगों के लिए है, आम लोगों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ट्रेन में सफ़र करने वाला व्यक्ति आम परिवार और आम घर से होता है। हमारी मांग है कि ट्रेन की बढ़ती जो कीमत है, जो वृद्धि है उसके शुल्क की, उसको कम किया जाए। इसलिए आज हम तमाम कांग्रेस के साथ ही यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा भी हैं, लोगों के बीच में बहुत चहक देखने को मिली है, बहुत खुश है वंदे भारत ट्रेन को देखकर। क्या ये खुशी सिर्फ खुशी ही रह जाएगी या इसका लाभ जनता को मिल पाए? निश्चित रूप से ये वंदे भारत ट्रेन जो है, हम ट्रेन की सुविधा का स्वागत करते हैं, लेकिन जो दर 2000 रुपये, कांग्रेस के राज में 300 में आदमी बुकिंग करा कर नागपुर पहुँच जाता था और उल्टा छत्तीसगढ़ के जाने में ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है। और वंदे भारत ट्रेन की जो खास आदमी के लिए है, जहाँ पर VIP लोगों की अगर ट्रेन है वहाँ 2000 रुपये का टिकट लिया जाता है, उसी का विरोध कर रहे हैं। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी में हम लोग महंगाई का विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार जब से आई है हर चीज़ों में, चाहे ट्रेन की बात हो, गैस की बात हो, पेट्रोल की बात हो, हर चीज़ों से आम आदमी को परेशान करना, आम आदमी को लूटने का काम BJP सरकार करती है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक तरफ जहां ट्रेन की खुशी लोगों में देखने को मिली थी, लेकिन यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि यह सिर्फ खास लोगों के लिए बनाई गई है, इसके टिकट के दाम ज़्यादा होने के कारण जो आम नागरिक है इस पर सफ़र नहीं कर सकते, और साथ ही बढ़ते हुए और जो लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है उसके लिए भी ये आंदोलन में, प्रदर्शन में उतर आए हैं। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर।